हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अच्छा से बहुत ही कम दाम में डेंसिंग लाइट बनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत सारे लाइट को यहाँ पर आप कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर आप कम से कम 10 एम्पीयर तक का लोड ले सकते हो, यानी कि आप 1000 वाट से ज़्यादा भी आप यहाँ पर लोड ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने दो लाइट को कनेक्ट किया, आप चाहो तो यहाँ पर बहुत सारे लाइट को भी कनेक्ट कर सकते हो। और दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत सारे इफेक्ट भी मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम ये बहुत ही कम दाम में सर्किट बनाने जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए मैं इसको कैसे बनाता हूँ। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी हम लेना होगा कुछ पीवीसी शीट, जिसको मैंने पहले से काट कर रखा हुआ है। और इसके बाद जब हम लेंगे एक रिले, जो कि 5 वोल्ट का है, और यहाँ पर आप मैक्सिमम 10 एम्पीयर तक का लोड देख सकते हो 250 वोल्ट पर। तो अभी हम यहाँ पर इसको चिपका लेते हैं। इसके बाद दोस्तों, हम लेंगे एक डायोड, जो कि 14007 का है, और इससे हमें कनेक्ट करना होगा रिले का जो कॉयल है उसके एक्रॉस पर, ठीक है। इसके बाद हम लेंगे एक ट्रांजिस्टर, जो कि ये BC547 है, जो BC547 ट्रांजिस्टर, जो कि एनपिन ट्रांजिस्टर है। तो इसका जो कलेक्टर है उसे हमें कनेक्ट करना होगा डायोड के एनोड पर। उसके बाद एक 470 रेजिस्टर लेकर के हमें कनेक्ट करना होगा डायोड के कैथोड पर। और दोस्तों, अभी हम लेंगे एक 4.7K का रेजिस्टर, जिसे हमें कनेक्ट करना होगा ट्रांजिस्टर के एमिटर पिन से ट्रांजिस्टर के बेस पिन के अंदर, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, दो वायर लेंगे, जो कि हमारा आउटपुट का वायर है, और इसे हमें कनेक्ट करना होगा रिले का जो दो पॉइंट है NO और NC, वहाँ पर हमें कनेक्ट करना होगा, जो कि हमारा आउटपुट टर्मिनल है। उसके बाद दोस्तों, हम एक RGB LED लेकर के एक टर्मिनल के इसको बेस पर और एक टर्मिनल को हम कनेक्ट कर देंगे इसके 470 रेजिस्टेंस पर। उसके बाद एक PVC को मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ, जहाँ पर मुझे कुछ वायरिंग भी करना है। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ एक चार्जर कनेक्टर, जहाँ पर हम मोबाइल चार्ज को कनेक्ट करने वाले हैं। तो इसका जो नेगेटिव है उसे हमें कनेक्ट करना होगा ट्रांजिस्टर के एमिटर पर, और जो पॉजिटिव है उसे हमें कनेक्ट करना होगा डायोड के टर्मिनल पर। और अभी हम लेंगे पावर सप्लाई का केबल, और इसका एक टर्मिनल को हमें कनेक्ट करना होगा रिले का जो कॉमन पॉइंट है, वहाँ पर मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और जो दूसरा पॉइंट है उसे हम लेंगे न्यूट्रल पर, तो न्यूट्रल हमें बाहर निकालेंगे वायरिंग के लिए। तो अभी मैं न्यूट्रल फेज एक साइड और दूसरा न्यूट्रल फेज एक साइड में निकाल लेता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर दो टर्मिनल मिलने वाले हैं। और यहाँ पर जो सीट बाकी का बचा हुआ है उसको मैं यहाँ पर जोड़कर इसका जो बॉक्स है बना लेता हूँ। दोस्तों, हमारा प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट हो चुका है, तो अभी इसको हम टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं दो कलर का दो लाइट ले रहा हूँ यहाँ पर, और इसको मैं यहाँ पर कनेक्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम एक को कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर एक को कनेक्ट करेंगे। तो इस साइड में मैं एक को कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर इसका एक होता है कि न्यूट्रल, और एक होता है इसका फेज, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक को कनेक्ट कर लिया, अभी दूसरे को मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है। तो अभी मैं इसको अपने चार्जर से कनेक्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर इसको कनेक्ट करते ही काम करना शुरू कर दिया है, तो अभी हम इसको पावर सप्लाई देने वाले हैं। तो आप देख सकते हो कैसे वर्क कर रहा है, बहुत ही अच्छे से यहाँ पर जल रहा है, ठीक है। और इसका जो इफेक्ट है बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो मैं आपको लाइट ऑफ करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छा यहाँ पर ये लग रहा है, और आप जब भी इसको डेकोरेशन करेंगे बहुत ही अच्छा लगेगा। और यहाँ पर आप 1000 वाट के आसपास यहाँ पर आप लोड ले सकते हो, यानी कि आप 10 एम्पीयर तक का यहाँ पर आप लोड ले सकते हो, ठीक है। दोस्तों, मैंने यहाँ पर दो लाइट को कनेक्ट किया हुआ है, आप यहाँ पर बहुत सारे लाइट को कनेक्ट कर सकते हो। और दोस्तों, याद रखना आपको कि यहाँ पर आपको दो पॉइंट ही मिलता है कनेक्ट करने के लिए, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, यहाँ पर आपको जो RGB LED है उसी के हिसाब से इसका जो इफेक्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हो, सिर्फ 10 रुपये के अंदर, 10 या 20 रुपये के अंदर आप इसको घर पर बना सकते हो, बहुत ही आसान है। दोस्तों, इसको आपको बनाइए और डेकोरेशन कीजिए, और कैसा लगता है मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट भी होता है तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसका जो सर्किट डायग्राम है आप मैंने वीडियो के अंदर दे दिया है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, आप फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में कुछ नए प्रोजेक्ट के साथ।